ये क्या बनके घूम रहा है? बनके घूम रहा हूँ? What do you mean? बाहर जाकर देखो, लड़कियां मुझे देखकर मर रही हैं। देख, मैं तुझे जानता हूँ बचपन से। बाकी जो भी तुझे पहली बार ऐसे देखा, मरेगा ही वो। तुझे कह रहा धर्मपा जी आ रहे हैं, सेट पे पोछा लगा, तू सर पे लगा के घूम रहा है। तुम्हारी ही नहीं हरकतों की वजह से तुम्हें सोनी टीवी ने सैटरडे संडे दिया है, नहीं तो वो सोमवार से लेकर शुक्रवार भी सोच रहे थे। अच्छा। और तुझे पता, तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से सैटरडे संडे बंद करने का सोच रहे हो। वो सीआईडी बंद ही इसीलिए किया, कहता मेन चोर तो हमने पकड़ लिया। यार एक मेरी बात सुनो, कभी तो तारीफ कर दिया करो, कभी तो कुछ अच्छा कर। सच सच बताओ, मैं नहीं लग रहा हूं बॉबी देओल? दिल पे हाथ रख के बताओ। बॉबी देओल? नहीं लग रहा हूं बॉबी देओल का स्वेटर लग रहा है तू। वो भी वो वाला जो सनी देओल ने गुस्से में उधेड़ दिया। ये तो तुम बातें बना रहे हो। तो और हमें क्या, सोनी ने इधर मिठाइयां बनाने के लिए रखा है? बातें बना रहे हो, करने क्या है तू इधर? देखो मेरी बात सुनो कपूर शर्मा, इधर आ रही है देओल फैमिली, तो मैं उनको ट्रिब्यूट देने के लिए आया हूँ, इसलिए मैंने इतनी तैयारी की है। अगर तू बता दे कि ट्रिब्यूट होता क्या है, तेरे को मैं 2 करोड़ रुपया दूंगा। ओ, ट्रिब्यूट बहुत अच्छा होता है, वो बड़े बड़े लोगों को दिया जाता है। अच्छा। हाँ तो ठीक है, दिया जाता है, वो उसको बनाते कैसे हैं? वो बिना ऑयल के होता है ना? नहीं नहीं मेरी बात और बता। मेरी बात सुनो यार। हाँ सुन लिया करो बात, मेरी दादी बनाती थी, मुझे रेसिपी नहीं याद। अब तुम सिर्फ मेरी हो काजल, और मैं सिर्फ तुम्हारा। अगर इस चौगड़ पे बारात आएगी तो सबसे पहले उसकी अर्थी उठेगी जो सेना बांध के घोड़ी पे बैठा होगा। मेरी बात सुनो, तुम सनी देओल बने ना, तुम्हारी एग्जिट उधर है, जाओ उधर। एक बंदा नकली धर्मेंद्र बना है, वो तुम्हें पीटेगा, चलो। अरे ओ, उड़ जा काले कावा, तेरे मुंह विच खंड पावा। अरे ये बताओ, तुम्हारी चोटी किधर गई? दिख रही है? नहीं दिख रही। बहुत जल्द तुम भी दिखाई नहीं दोगे। और मेरे साथ तुम हाथापाई करोगे? नहीं यार, कमाल कर रहे हो यार, तुम्हारे साथ हाथापाई क्यों करेंगे? तुम्हें आराम से जमीन पे लेटा के तुम्हारे मुख पर थोड़ी देर के लिए विराजमान होंगे। ओए, तुम्हें चुड़ैलों ने मिक्सर ग्राइंडर में डाल के घुमाया था? क्या हुआ क्या तुम्हें? हाँ ऐसा पिट कर कहाँ से आए हो, ये क्या हो गया? ओ यार मैं बॉबी देओल बना हूँ। ए यार, यार तुम बॉबी देओल बने हो, ये बात तुमने कपूर शर्मा को बता दी? बता रही है। अरे यार फिर तो सारी बेइज्जती उन्होंने कर दी होगी, हमारे को मौका ही नहीं मिला। सा कपूर शर्मा, हाँ जितनी मेरी की है इसकी भी करो ना। सुनो जी, मैं आपको ढूंढ रही थी, आप तो पालू बन के निकल भी आए। अच्छा बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? हमने तुमसे कहा था हीरोइन बन के आओ, तुम ये अर्चना जी बन के क्यों आ गई हो? अर्चना जी मतलब मैं जेंट्स लग रही हूँ? भाभी एक बात बताओ, ये पहन तो ली है, इसको उतारना कैसे है? ये हमारे लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, हम पहनने के बाद उसे काट देते हैं, उतारता कौन है? नहीं नहीं नहीं, यही काटते हैं, मैं तो काटती भी नहीं, मैं करती हूँ फट जाता है। देवर जी हा? मुझे ना आपसे बात करनी बहुत जरूरी, मेरे को ना वो सनी देओल जी आ रहे हैं ना, मेरे को सिर्फ उनके साथ 2 मिनट मीटिंग करा दो, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? मुझे यही उनसे बात करनी कि धर्म जी आ रहे, मैं उनसे क्या बात करूं? दीदी मैं तैयार हूँ। शो तो अभी शुरू भी नहीं हुआ, तू लड़की बन के क्यों घूम रही है? लड़की? कपू ध्यान से देखो, तुम्हारी सोसाइटी में एक ही ओरिजिनल लड़की है और वो मैं हूँ। ओरिजिनल?
तू अगर ओरिजिनल होती ना तो आज हमें परवीन को लड़की ना बनाना पड़ता। आई पड़ी और मेरा रुमाल जो मैं कब से ढूंढ रही थी उसको साड़ी बना के पहन के आई है। नहीं। ये देखो कप्पू शर्मा इधर से कड़क है ना, ये मेरा रुमाल है, मैंने नाक पोछा था। उफ, मैं हेमा मालिनी बनी हूँ, कैसी लग रही हूँ? ये मार खाऊंगी। क्या बनी तू? हेमा मालिनी बनी तो है। अरे एक, मैं कैसी लग रही हूँ, ऐसे कैसे जा रही हूँ, बता तो तू कैसी लग रही हूँ। एक रुपए की कुल्फी कभी खाई है? तो ऐसे घड़े में हाथ मार के निकाल के देता है वो, उससे भी गंदी लग रही तुम। सच है, सच। ये हेमा मालिनी सुनकर तो मेरी भी हंसी निकल। मेरी हंसी निकली नहीं, पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि मेरे से थप्पड़ अंदर से खा के आई है। और ये चमगादड़ का बच्चा क्यों है यहाँ पे? चमगादड़ का बच्चा इसलिए यहाँ पे क्योंकि उसने छिपकली देखनी है जिसने पिंक साड़ी पहनी हुई है। कप्पू, अपने दोस्त को समझाओ मैं छिपकली कहाँ से लग रही हूँ। छिपकली तो नहीं पर तू मच्छर को देख के तेरी जुबान को बाहर निकलती है। मेरी बात सुनो, ये फैंसी ड्रेस मत करो और सबके सब दफा हो जाओ यहाँ से। तुम नॉर्मल एंट्री नहीं ले सकते? अरे तो कुछ नहीं भाई, इतना तो हम घर पे खाने के बाद भी कर लेते हैं। ये तो एक नंबर भी जाता है, पहले ऐसे ऐसे करता है, बाहर पे करता है। तू ऐसे ऐसे करता है ना तो लोग पैसा रख देते हैं उस पे। तो पिछले मैं देख रहे हो कैसे बातें कर रहा है, उसको भी कुछ बोलो। हाय हाय। ए हाय हेलो नहीं बोलना, उसको टोंट मारो जो उसके सर पे लगे। टोंट मारो? वो तेरी तरह चमगादड़ के बाल पहन के लिए आया। और तेरी फ्रॉक कहाँ है? अरे हाँ, फ्रॉक कहाँ है? डॉक्टर ने बोला है हफ्ते में 2 दिन जेंट्स के भी कपड़े पहना करो। हाँ, कहीं ऐसा ना हो मैं किसी लड़के के साथ भाग जाऊं कभी, मेरा अपना परिवार भी है। पर एक मिनट, मेरी बात बताओ, तुम लोगों ने मेला क्यों लगा रखा है यहाँ पे? अरे धर्म जी का दिल जीतना है। हाँ। मेरे को तो देखते ही पहचान जाएंगे कि मैं क्या बनी हूँ। शक्तिमान? अरे नहीं जी, सब मिलकर ट्रिब्यूट देंगे यार उनको। हाँ। मजा आएगा। देखो ट्रिब्यूट देना है उनको और सबसे ज्यादा उन्होंने मुझे लाइक करना है। पूछो क्यों? क्यों? बेस्ट बॉबी देओल ऑफ द ईयर। ओए सुनो मेरी बात, तुम सब लोग ना अपनी अपनी एक ऐसी फोटो मेरे को दे दो। हाँ। मैं दिखाऊंगा धर्म जी को, अगर तो उन्होंने अप्रूवल दे दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर तुम अपने अपने हिसाब से सुसाइड कर लेना। सो मेरी परफॉर्मेंस अलग होगी, इन सबकी अलग होगी। इन सब की? आओ आओ करवाते हैं तुम्हारा परफॉर्मेंस। अच्छा, मेरी बात सुनो। चलो तो मेरी बात सुनो। अरे चलो मेरी बात सुनो। अरे चलो चलो आओ इधर। अरे आओ इधर, कराते हैं ना तुम्हारा परफॉर्मेंस। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? ये पकड़ इसको बेटो। अरे अर्चना जी, हाँ जी, फाइनली आज हमारे शो पे वो मेहमान आ रहे हैं जिनका हमें बहुत देर से इंतजार था। और ये इंडिया के वो इकलौते सुपरस्टार हैं जिन्होंने सच में लार्जर देन लाइफ काम किए हैं। ये अपनी एक आवाज से हजारों की भीड़ को रोक देते हैं और ये जब ऐसा करते हैं हमें यकीन भी हो जाता है कि ये कर सकते हैं क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है। और सिर्फ यही नहीं, लोग इनसे इतना प्यार करते हैं कि जब ये चुनाव में खड़े हुए तो लाखों लोगों ने इनको चुनाव जिता के पार्लियामेंट में भेजा। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और हाल ही में गुरदासपुर से मेंबर पार्लियामेंट चुने गए मिस्टर सनी देओल। सनी भाई जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने शो में। हाँ मेरा ही शो है। भाजी देखिए कितना लोग आपसे प्यार करते हैं, कितना चिल्ला रहे हैं आपके नाम के ऊपर। भाई सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आप मेंबर पार्लियामेंट बन चुके हैं, हमें पता ही था। अरे भाजी आप पहले से ही इतने पावरफुल हैं, अब पावर में भी आ गए हैं, तो ये नया किरदार जो है कैसा लग रहा है आपको? फिलहाल तो बहुत नया है जी, अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे मौका मिल रहा है लोगों तक पहुंचने का और उनकी जाकर अभी मैं उनकी सेवा करूंगा, कुछ काम करूंगा। बहुत प्यार करते हैं भाजी लोग आपसे। बहुत 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 प्यार, जब पंजाब गया था जिस तरह से लोगों ने छोटे से लेके बड़े तक हर बंदे ने जी, चाहे माँ होवे चाहे छोटी जी बच्ची होवे, सारे ने बहुत प्यार देता। बिल्कुल भाजी।
अच्छा आप सब जानते हैं कि फिल्म पल पल दिल के पास जो करण देओल हैं उनका डेब्यू होने जा रहा है और वो फिल्म डायरेक्ट की है सनी पाजी ने और जब इसका टाइटल हम लोग बोलते हैं पल पल दिल के पास तो ऑब्वियसली धर्म पाजी की वो फिल्म भी याद आ जाती है ब्लैकमेल जिसका ये गाना है पाजी ये टाइटल ही रखने का कैसे है आपके दिमाग में नहीं ब्लैकमेल मेरी बहुत ही फेवरेट फिल्म थी बहुत ही रोमांटिक फिल्म थी और ये गाना बहुत ही रोमांटिक गाना है बल्कि मैं जब छोटा हुआ करता था अक्सर मैं ये गाना एनैक्ट भी किया करता था अच्छा जी वाओ बट बस वही था कि अपने बेटे को लॉन्च कर रहा था तो मैं चाह रहा था कि किसी तरह से पापा को साथ में जोड़ूं तो ये और लव स्टोरी है तो फिर मैंने सोचा पल पल दिल के पास इसे इसे बेहतर टाइटल बहुत खूबसूरत अच्छा प्रोडक्शन घर का डायरेक्टर घर का एक्टर घर का पर ये मतलब ये पैसे बचाने की स्कीम है कि सारे पैसे खुद ही कमाने की स्कीम है नहीं ये स्कीम शुरू से ही हुई हुई है बट आई एम द डायरेक्टर राइट नाउ दिस टाइम अनीता बेताब से शुरू जी विजेता फिल्म तब से सेट हुई है तब मुझे लॉन्च किया जी मेरे बाद फिर बॉबी को फिर अभय को अब बारी आई बहुत इंतजार है पाजी इस फिल्म का सो सनी पाजी से बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा फिलहाल बुलाते हैं उनको जिनको देखने के लिए आप सब बेकरार हैं तो प्लीज वेलकम फिल्म पल पल दिल के पास से बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे यंग एंड प्रॉमिसिंग न्यू कमर्स करण देओल एंड सहर बांबा करण सहर आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू अभी आपकी फिल्म रिलीज नहीं हुई है उससे पहले इतना शोर शराबा और लोग आपको इतना प्यार करने लगे कैसा फील हो रहा है आप दोनों को बहुत ही अच्छा और I have no words for it, honestly. अंदर से प्यार जो पापा को मिला है जो दादा को मिला है अभी जो मुझे मिल रहा है थैंक यू गाइस सो मच फॉर इट लाइक देयर इज नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब इट ऑनेस्टली करण आपको पता है इंडस्ट्री में ये बस था कि सनी पाजी का बेटा है तो एक्शन फिल्मों से डेब्यू करेगा लेकिन आपकी फिल्म है रोमांटिक तो हम इससे क्या आइडिया लगाएं कि पापा ने आपको एक्शन से पहले रोमांस करते कि पकड़ लिया था कहीं नहीं नहीं हां कहीं उनको क्यों लगा कि मैं पहले इनको रोमांटिक फिल्म में लॉन्च करूं वो चाहते थे कि वो जो इनोसेंस होता है ना उस उम्र में कि वो बाहर निकला है तो वो चाहते थे इसलिए रोमांटिक बनाए और एक्शन ऑलवेज था पिक्चर में ऐसे सरप्राइज रखना था कि सब लोग के लिए बहुत ही प्यारे लग रहे हो आप अच्छा मैं कर ना ऐसे ही पूछ रहा था ऐसे पापा साथ में तो कोई और डायरेक्टर हो तो आदमी थोड़ा खुला होता है तो जैसे पापा थे हाँ जैसे पापा तो उनके सामने ऐसे हीरोइन को ये वो सब जो भी आपको घबराहट हो रही थी पापा के सामने घबराहट हुई थी पर क्या करें अभी इस इंडस्ट्री में तो जो करना है जो करना है तो हम लोग कुछ अपनी कॉलेज की बातें कर रहे थे पाजी आइए आपसे ढेर सारी बातें करेंगे आइए करण प्लीज सर अच्छा आप सब जानते हैं धर्म पाजी जब इंडस्ट्री में आए तो उनकी पहली फिल्म जो थी दिल भी तेरा हम भी तेरे रोमांटिक फिल्म थी सनी पाजी ने जब शुरुआत की बेताब एक रोमांटिक फिल्म थी और अब करण जो है वो रोमांटिक फिल्म से डेब्यू करने जा रहे हैं पाजी के ना बाहर स्पॉट दादा हैं बड़े बुजुर्ग हैं सबको जानते हैं वो आपके बारे में बोले थे कहते इनका ना खानदानी स्टाइल है पहले ये प्यार से बात करते हैं धीरे धीरे हाथापाई पे आते हैं तो करण हम ये आपसे एक्सपेक्ट करें कि आगे चल के आप एक्शन फिल्म में भी करेंगे हाँ जरूर जरूर मैं बिल्कुल मैं बहुत करना चाहता हूँ एक्शन फिल्म में सहर के बारे में बताऊं कि सहर जब आपका ऑडिशन कैसे आप फिल्म के लिए सिलेक्ट हुई मुझे कॉल आया था कि आप ऑडिशन करना चाहेंगे आफ्टर मैं एक पैजेंट जीती थी तो उसके बाद राउंड्स हुए काफ़ी एंड उसके बाद फाइनल राउंड जो मेरा था वो सनी सर ने डायरेक्ट किया था एंड उसके बाद मुझे एक हफ्ते के बाद कॉल आया कि मैं सिलेक्ट हो गई हूँ वेरी गुड कांग्रेचुलेशन पहली फिल्म में सनी देओल डायरेक्ट कर रहे हैं आपको करण के साथ ऑपोजिट हैं आप और उससे बड़ी बात मतलब कितना मजेदार बात है कि आप रिलीज होने से पहले हमारे शो पे आ गई ये बहुत एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट जब मेरे फ्रेंड्स को पता चला मुझे ये फिल्म मिली है उनका फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि प्रमोशंस पे कपिल शर्मा के शो पे आर यू गोइंग दे वर सो एक्साइटेड ओह या आई नहीं फ्रेंड्स साथ में नहीं आई नहीं मेरी मॉम एंड मेरी सिस्टर आए हैं आज अच्छा नमस्कार जी बहुत बहुत स्वागत है आपकी मम्मी है हाँ जी वो वाह बड़ी छोटी सी मम्मी रखी है आपने
पर हमने सुना कि जब फिल्म के लिए आपका सिलेक्शन हुआ तो कुछ तकरीबन 400 लड़कियों ने ऑडिशन दिया था जी. 400 लड़कियों में ये फर्स्ट आई हैं. आज से पहले एक ही बार ऐसा हुआ पता है, अर्चना जी के साथ. ये भी फर्स्ट आई थी. आपकी 400 थी, ये दो लड़कियों में फर्स्ट आई थी. चलो दो में तो फर्स्ट करवाया. दो में भी मारपीट में फर्स्ट आई थी और दूसरी को पीट पीट के बेहोश कर दिया. अच्छा करण, ये फिल्म में डायरेक्टर पापा हैं, प्रोड्यूसर दादाजी हैं, तो पेमेंट मिली कि सिर्फ आशीर्वाद ही था? थोड़ी बहुत पेमेंट मिली थी पर ज्यादा कुछ नहीं ऐसे तो. पॉकेट मनी बस. तो कितना मजा आया आपको, आपने काफी पहाड़ों में शूट किया है. बहुत मजा भी आया लेकिन बहुत ही मुश्किल भी था क्योंकि हम हर सुबह हमारी कॉल टाइम 4-5 बजे होती थी. अच्छा. और 40-45 मिनट हम ट्रैक करते थे फिर शूट करते थे और बहुत सब जीरो कंडीशंस में हमने शूट किया. कई बार होता ना कि आर्टिस्ट बैठा है तो शॉट रेडी हो रहा है जी, तो आपके पास टाइम है बातें बातें करने का या घर पे फोन कर लिया. या कई बार होता है कोई आर्टिस्ट जो होता है उसको प्रोड्यूसर की या डायरेक्टर की एक दूसरे से चुगली कर लेता आदमी. आपके केस में तो ये पॉसिबल नहीं था, डायरेक्टर भी वही प्रोड्यूसर भी घर के, तो चुगली किससे करती थी फिर? नहीं मैं मम्मा को ही फोन करती थी जब मतलब चुगली करती थी. फिल्म में ये बोल रहे हैं कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और आपका तो सुना आपका वैसे भी कोई बॉयफ्रेंड है नहीं. नहीं नहीं, तो आपने ये पहले मतलब डिसाइड कर रखा था पहले फिल्म में एक्सपीरियंस लूंगी मैं बॉयफ्रेंड का. अभी आपको तो ढेर सारे फोन आने वाले हैं, आपकी मम्मी को रिश्तों के फोन आने वाले हैं. मुझे तो लगता है इनकी मम्मी इतनी खूबसूरत है अभी उनके रिश्ते नहीं हट रहे होंगे. करण आपके पापा का हाथ 2.5 किलो का है, चाचा का 2.25 किलो, दादाजी का 5 किलो. आपने अपना तोला कभी? 10 किलो का होगा पता नहीं. वाह, एक से एक भड़के आ रही है बातें. देखो आप, मैंने जैसे पहले कहा ना भाई, शोले के बाद अगर कोई डायलॉग याद होते हैं तो सनी पाजी की फिल्मों के. हाँ. मैं बड़े सुनाता रहता हूँ आपके डायलॉग. आपके सामने नहीं सुना सकता पर मेरे को बड़ा याद है. ना, सनी के सामने सुना. एक बड़ा फेवरेट डायलॉग है पाजी का, तू चाहता है तेरे यहाँ कुत्ता बन के रहूं. तू कहे तो भौकूं, तू कहे तो काटूं, ये मजदूर का हाथ है गातिया. पाजी मैं, मेरे को डर लग रहा है. और बहुत अच्छा कर रहा है. वेरी नाइस. पर पाजी सीरियसली जब आप डायलॉग बोलते थे ना जैसे गुस्सा होते थे ना सनी पाजी. पाजी हमने तो तब उन थिएटर्स में देखी है, अब तो इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं आई थी तो हमारी ना कुर्सी के नीचे घुर घुर होता था. हाँ, जैसे सनी पाजी का डायलॉग चल रहा है हमारी मसाज चल रही होती थी क्योंकि इतना इतनी आवाज कड़क है. हाँ. हमारे यहाँ पे जितने भी दर्शक बैठे हैं मैं आपसे जानना चाहता हूँ कितने लोग हैं जो सनी पाजी का कोई भी डायलॉग जिनको याद और बोल देख लो. पाजी लड़के तो छोड़ो, लड़कियां देखो कितनी है. जी आप एक एक करके आप कर सकते हैं. जी माइक दे दीजिए उनको. मेरा सुजाता काफले शाही, मैं नेपाल से हूँ सर. अच्छा नेपाल से हैं, अरे वाह बड़ी खूबसूरत जगह से आई हैं. थैंक यू सर. जी सुजाता जी. जी सर, हम लोग मिसेस वर्ल्ड वाइड, मिस वर्ल्ड वाइड और मिस टीन वर्ल्ड वाइड रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ओ वाओ. जी हमारे मैम नीलम सरन इधर. नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? अच्छा तो हमारी मिस इंडिया भी बैठी हुई है साथ में. जी नमस्कार जी. तो कब हो रहा है आपका ये, कब हो रहा है कंपटीशन? सर 7 को फिनाले है. ओके. आप लोग प्लीज जरूर आइएगा सर. मैं ना भी बुलाती हम आने वाले थे एनीवे. जी तो आप सनी पाजी का डायलॉग बोलना चाहेंगे? जी सर. जी ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पे पड़ता है तो आप भी उड़ता नहीं उड़ जाता है. नेपाल में इतने बड़े लोग फैन है सर, मैं कभी मिस नहीं करती आपके शो. इतनी बड़ी फैन हूँ. थैंक यू मैम. अर्चना की भी बहुत बड़ी फैन हूँ मैम. थैंक यू सर. और मैं नेपाल से ये लाई हूँ सर, खादा और ये नेपाली टोपी है सर. अरे थैंक यू सो मच, शुक्रिया. सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू. आप लोग जरूर पहनिएगा सर. नेपाली टोपियाँ और मफलर भी हैं. सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू मैम, शुक्रिया. माय प्लेजर सर, आई एम सो ग्लैड. थैंक यू, शुक्रिया. थैंक यू. और कोई हमारे दोस्त जो सनी पाजी का डायलॉग बोला जाते हैं? जी जी सर, बेसिकली वी आर डेविल्स क्लब और 15 स्टेट से हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं. अरे बहुत बहुत स्वागत है आप सबका. आप सनी पाजी काफी अच्छे फैन लगते हैं आप. हाँ लग ही रहे हैं. पूरा इंस्पिरेशन, पूरा इंस्पिरेशन में. जी सो द डायलॉग इज फ्रॉम फिल्म घातक, माय फेवरेट डायलॉग. अगर सातों एक बाप के तो रुक, वरना कसम गंगा मैया की घर में घुस के मारूंगा सातों को, साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा. Nice.
क्या बात है सर, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त जो सनी पाजी का डायलॉग बोला जाते हैं? जी मैम। हाय कपिल। हाय। हाय सर। हाय करण। हाय। हाय मैम। हाय। इट्स अ बिग आई कांट टेल यू हाउ टू एक्सप्रेस इट, अ बिग चांस टू बी हियर। थैंक यू। एंड वी ऑल फीमेल्स आर हियर, हम लोग सब आए, अलग अलग कंट्रीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई एम रिप्रेजेंटिंग कनाडा। ओह वाओ, कनाडा की कौन सी जगह से? सरी वैंकूवर। सरी वैंकूवर, जिते पंजाबी बहुत बोल देने। हां, और कौन कौन सी कंट्रीज हैं ये नहीं मुझे पता था। हम लोग अलग अलग कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। okay. और मिस भी हैं, जो करीबन हम लोग 18 हैं। अच्छा जी। वो भी अलग अलग कंट्रीज। हाथ खड़े करो, कौन कौन है? वाह, बल्क में खूबसूरती आई आज, वाह अच्छा लग रहा है। मैं डायलॉग बोलने की कोशिश करूंगी। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती रही है मिलोर, मगर नहीं मिला इंसाफ, मिली है तो बस तारीख। वाओ, माय नेम इज तराना कौर, आई फॉरगॉट टू टेल यू। थैंक यू मैम, थैंक यू, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त जो अपना टैलेंट दिखाना चाहते हो? जी भाई साहब। हेलो कपिल पाजी, क्या हाल है सर? नमस्कार जी। नमस्ते। नमस्ते सनी पाजी। नमस्ते करण जी। अर्चना मैम नमस्ते। मैं सनी पाजी की इंडियन फिल्म का डायलॉग सुनाना चाहूंगा। जी। हम हाथ मिलाना भी जानते हैं, हाथ उखाड़ना भी। हम गांधी जी को भी पूछते हैं, चंद्रशेखर आजाद को भी। मैं भी पहले प्यार से समझाता हूँ, फिर हथियार से। तू किस तरह समझना चाहता है, फैसला कर ले। क्या बात है, क्या नाम, क्या ब्रदर आपका? सर मेरा नाम मनोज मालविया है, इंदौर के पास मेरा गांव है, खाते गांव। अच्छा, मध्य प्रदेश में, वहां से आया हूं। अच्छा जी, बहुत बहुत अच्छा बोला आपने। ओके। और लग रहा है कि आपने सनी पाजी की फिल्मों को बड़े करीब से फॉलो किया। बचपन से फैन हूं और वही मेरी इंस्पिरेशन है। वाओ। अच्छा। और जब उन्होंने गदर में हैंडपंप उखाड़ा था ना, हाँ, तब से दिल पर ठप्पा लग गया था। और कोई हमारे दोस्त? लाउडली कोई नहीं बोला तो मैं बोलूंगा लाउडली। अच्छा वाह। उठा उठा के बैठूंगा, उठा उठा के बैठूंगा, चीर दूंगा फाड़ दूंगा साले। सही नहीं था क्या? कहें चलो मैं गोली देना। पाजी आई लव यू। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख चलती रही, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सर तारीख। आई लव यू पाजी, क्या बात है। और अब वक्त है उस शख्सियत को यहाँ पे इनवाइट करने का, जिनसे ना सिर्फ सनी पाजी और करण का रिश्ता है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का और दुनिया भर में मौजूद इनके सारे फैंस का इनसे बहुत ही गहरा और दिल का रिश्ता है। ये हम सबके दिल में हमेशा से राज करते आ रहे हैं। सो प्लीज वेलकम बॉलीवुड के अब तक के सबसे हैंडसम एवरग्रीन सुपरस्टार, द ग्रेट धर्मेंद्र पाजी। जोरदार तालियां एक बार धर्म पाजी के लिए। आइए पाजी, आइए प्लीज यहाँ पे आइए पाजी। अर्चना आइए पाजी, लव यू, आइए पाजी। थैंक यू गर्ल्स फॉर द ब्यूटीफुल वेलकम। अच्छा आप, तुम्हारा क्या शक्कर खोरों को मिश्री की डलियां भेज देते हैं? पाजी मैंने पहली दफा तूने मुझे बुलाया था कि पाजी तुसी आ जाओ। जी। मैंने लगा मेरा पुत्र बहुत प्यारा नवा न्यू कमर, मैं चलांगा। हूँ तो मेरी ज्यादा पाव भगत लग गया। थैंक यू सो मच गर्ल, आइए। जैसे कि आप सब जानते हैं,
कि जब ये हमारे इस शो की शुरुआत हुई थी तो पहले गेस्ट उनको ब्लेसिंग्स देने वाले धर्म पाजी थे और आज करण का डेब्यू होने जा रहा है और आज देओल परिवार यहाँ पे मौजूद है. जोरदार तालियां हो जाएं. थैंक्स अ लॉट. वी नीड इट. आवाज खल्क नकारा खुदा होती है. आपकी आवाज वो सुनेगा. वाह वाह. पाजी तीसरी जनरेशन देओल फैमिली की जो है बॉलीवुड में आज करण का डेब्यू होने जा रहा है. कितनी एक्साइटेड है सारी फैमिली? वी आर क्वाइट एक्साइटेड बट बहुत दिनों से इससे कोई बात होती नहीं थी. आता था बड़े पापा चला बड़ा मैं जा रहा हूँ शूटिंग पे. सनी भी निकल जाता था. मैं यह मुझे कुछ पता तो चले मेरा शेयर मेरा कब कैसा है. तो मैं कुरेता रहता है. दादा हमेशा ढूंढता रहता है मेरा पोता कहाँ कैसा है. दादा को बेटे से भी पोता ज्यादा प्यारा होता है. ये तो कोई तो अभी मैंने पिछले दिनों इसके इंटरव्यू देख रहा हूँ मैं. अच्छा जी. ये पट्टा तो कमाल है. हम तो शुरू शुरू में इतना झिझक होती थी थोड़ी कि हाँ जी अभी जी खुजली वैसे. तो हम लोग ऐसे रहते थे. ये ही इज सो फ्लुएंट ही इज प्रॉम्प्ट ही इज इंटेलिजेंट. क्योंकि पट्टा किदा है. ही इज हम्बल. सो ये देओल खानदान की लाज रखेगा. बिल्कुल पाजी बहुत प्यार करते हैं लोग सब. धर्म पाजी कोई एक गुरु ज्ञान जो हम कह लें उसको या कोई एक लाइन कह लें कुछ तो आपने कहा ही होगा करण से जब ये शूटिंग से शूटिंग बस इसको यही कहा कि बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जब सिलेक्ट हुआ था फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए आउट ऑफ हंड्रेड बॉयज एंड गर्ल्स बाय विमल एंड गुरुदत्त जी तो बिफोर द शॉट आई सेड धर्मेंद्र इज नाउ और नेवर एंड आई नो हाउ टू रिएक्ट. मैं यही कहता हूँ बेटे एक्टिंग इज रिएक्शन. यू हैव टू रिएक्ट नाउ. यू आर रिएक्टिंग टू मी. आई एम रिएक्टिंग टू देम. They want to know me. They want to hear me. So I'm reacting to their feelings. आपकी feeling बता रहा हूँ ना मैं. मैं acting नहीं कर रहा. आपके दिल की बात कर रहा हूँ. मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि मैं जब भी धर्म पाजी को देखता हूँ मुझे मेरे फादर दिखते हैं मुझे इनमें. पहले मैं भी वही वो जो जैसे पाजी बोले थे ना रिएक्ट करना तो मैं भी बड़ी जल्दी रिएक्ट कर देता हूँ. पर हाँ छोटे भाइयों के नाते ये बता देता हूँ कि रिएक्ट करो ट्विटर पे नहीं करना. सनी पाजी एक बात बताइए जब आपका लॉन्च हो रहा था बेताब के समय आप उस समय ज्यादा नर्वस थे कि करण के लॉन्च के समय ज्यादा नर्वस है? उस वक्त मैं नर्वस ही नहीं था. अच्छा. मुझे पता ही नहीं था नर्वसनेस क्या है. पापा ज्यादा पर महबूब स्टूडियो जब मुहूर्त हुआ सीगा बेताब दा. हाँ मुहूर्त किया. हाँ उस वक्त पूरी इंडस्ट्री से होते राज साहब सारे से जो थे. दिलीप साहब ने क्लैप दिया. राज जी ने कैमरा ऑन किया. इट वाज अ बिग फंक्शन. एंड देन वो थे ऐसी डायलॉग बोले बगैर डर के. धर्म पाजी जैसे आपके सामने सनी पाजी थोड़ा झिझकते हैं एक रिस्पेक्ट है फादर की एक रिलेशन है थोड़ा शर्माते हैं. आगे करण जो है वो सनी पाजी के सामने शर्माते हैं. लेकिन आप पाजी कभी ये शर्माते शर्माते कर भी जाते हैं. शर्म तो एक है कि दिखावे की है. मैं भी अपने बाप से शर्माता था लेकिन जो मैं चाहता था ये शर्माना तो एक हमारा कल्चर चला आ रहा है. शर्माओ लेकिन वो इज्जत सम्मान रखते हैं लेकिन बाकी इनका जो करना दिल में वो करते हैं. मैं करने के लिए कर लेता हूँ बात. बात सुन लेते हैं सुनने के लिए. असर बात का कुछ भी नहीं. ना भी करूं कोई बात नहीं. पाजी आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि किसी हीरोइन से आप शर्मा गए हों शॉट देते हुए? मैं शुरू में शर्माता था. वो शर्म ही मेरा प्लस पॉइंट थी. अच्छा जी. वो आज भी है जी. तो शर्मीला आदमी अच्छा होता. लोग कहते हैं ना कि कोई भी स्टार आता है सब बोलते हैं कि मैं आपकी ही फैन हूं ना. बट ऑनेस्टली जितनी बड़ी मैं फैन हूँ आपकी उतनी हो नहीं सकती. एक बार मैंने परमीर को बोला था. मैंने कहा मैं शादी तो कर रही हूँ लेकिन मैं बता रही हूँ दैट कभी भी इफ आई गेट अ चांस आई विल रन अवे विद धर्म जी.
I am such a huge fan of yours. Karan, आप देवल फैमिली से हैं. स्कूल में आपको इस बात का कितना फायदा मिलता था? कभी ऐसा हुआ कि टीचर ने आपको ऐसे जानबूझ के कुछ इग्नोर ही कर देने, नहीं यार सनी देओल का बेटा है, इसको नहीं कुछ कहना? उसका रिवर्स होता था एक्चुअली. क्या? वो बोलते थे कि सिर्फ तू एक चीज के लिए अच्छा है, बस अपने पापा का चेक साइन करने के लिए, उसके अलावा तू किधर जाएगा नहीं जिंदगी में. मुझे नहीं पता चलता था कि क्या हो रहा है स्कूल में. इसने ट्वीट में लिखा कि मेरे साथ ऐसा हुआ. अच्छा. तो ये चार ऐसे बड़ी उम्र के लड़के हैं जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में, इसको उठा के नीचे फेंक दिया. तो बोलते हैं सनी बाप का बेटा है तू, उठ. नहीं उठा बेचारा. यू नो दे टॉर्चर स्टार सन. मैंने कहा मुझे बुला लेते हैं, मैं तो घर था दबंगी था तो मुझे मैं तो दो चार को पीट के आता, मेरे तक बात आती नहीं थी. लेकिन बाप मैं सुन के मुझे दिल अंदर से ऐसा तर, मैं उसको क्यों नहीं मुझे बताया वो कहाँ है, अभी मैं ढूंढ लूँ. सत श्री अकाल धर्म सर, कैसे आप? गुड. हेलो सर. हाय करण. हाय सहर. कैसे हैं आप लोग? वो लोग बहुत सुंदर हैं, बहुत पॉपुलर हो रहे हैं. आप प्लीज जाइए. आप तो दो मिनट चुप रह ही नहीं सकते है ना. कोई बात नहीं, मैं कहानी सुनाती हूँ, सुन लीजिए. कहानी सुनाएगी? आगे तो बड़ा हंसा हंसा के पेट फाड़ देती लोगों के. जब देखो कहानियां गरीबी दरिद्रता मजबूरी की, फिर आज ढंग की बात करना, बड़ा आज शुभ माहौल. चुप, कहानी सुनो. एक बार एक राजा था. अच्छा. और ये राजा घोड़े नहलाती थी. क्या तुम कहानी सुनो ना. उस राजा की चार दासियां थी. चारों तुम्हें मुनी लगाती होंगी. सनी सर आप देख रहे हैं, मतलब 7 महीने हो गए लेकिन ये आदमी मुझे कुछ बोलने नहीं देता. पिछले सीजन में पाजी 5 मिनट इसको दिए, इसने कुछ ऐसा बोला कि 1.5 साल तक हम सब घर बैठे. मैंने बोला तुम तो रहने दो, दुनिया गवाह है, तुम रहने दो. और मतलब मेहमान नवाजी तक तो तुमसे ठीक से होती नहीं. गेस्ट आए हैं, चाय नाश्ता कॉफी क्या है, कितने दिनों से फल पड़े हैं ये, कितने दिनों से. पाजी आप ना मेरे साथ मेरे घर चलो, आप सब चलिए, मैं अपने हाथों से गरम गरम रोटियां खिलाऊंगी. पाजी 2 दिन से सारी फैमिली गणपति पे जाके मोदक खा रही है. और तू, मैंने मेरे गेस्ट के सामने मेरी बेइज्जती नहीं करनी? तो क्या प्रॉब्लम है, मतलब तुम्हारी बातों से हम पेट तो भर नहीं सकते है ना. तो अपने काम से काम रखो. वैसे सनी सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ. ये तो है पाजी, जैसे आपका हाथ 2.5 किलो ना, इसके होंठ 3.25 किलो के. आप यकीन नहीं करेंगे, होठों से ना काले चने पिघला के उसका सूप बना देती है. बड़ी प्यारी है, हमारे नोकझोंक चलती रहती है. तुम्हारे होठ अच्छे उससे मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन मेरे होठ अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे. क्या बात है, यही सारी बातों से इरिटेट हो गए ना, पाजी ने हैंडपंप उखाड़ा था. लेकिन तेरा जो टोटी जैसा मुंह तो शहर से उखड़वा दूंगा मैं. देखो जैसी तुम्हारी सोच ना वैसी सबकी सोच नहीं है. और वैसे भी आई नो हम दोस्त हैं, हम लोग एक साथ एक्टिंग सीखते थे. उसको तो आ गई, तुम्हें कब आएगी? एक्टिंग सीखते थे वो एक्टिंग करके पल पल दिल के पास. और ये कभी सिग्नल के पास, कभी मंदिर के पास. हाँ तो ठीक है, हाथ मेरा सिग्नल सरकार की, पैसे लोगों के बीच में, तुमको क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं ना, देन माइंड योर ओन बिजनेस. सनी सर वैसे मैंने सुना कि आपने अपनी फिल्म की शूटिंग बर्फीली वादियों में की है, वो मुझे ना बर्फ बहुत पसंद है. मैंने कुछ कहा है? नहीं नहीं, उन्होंने पूछा, वो सनी देओल है, उनको पता है, उनको क्या लेना देना, भूरी को बर्फ पसंद है. अभी कह रही है बर्फ पसंद है, थोड़ी देर बाद बोलेगी चखना पसंद है, फिर बोलेगी सोडा पसंद है, फिर बोलेगी बोतल मंगा लो. ये सब नहीं होने वाला इधर. देओल खानदान का चिराग, एक गुमनाम खानदान की बुझी हुई लालटेन. ठीक है, हो मैं लालटेन, लेकिन एक बात भूलना मत, लालटेन के नीचे ना लोगों ने पढ़ाई करके ऊंचाइयां छुई है. कप्पू शर्मा
और वही लालटेन बंद करके जो तेरे जीजा ने 11 बच्चे पैदा किए भाजी इसके जीजा जी है वो 11 बच्चे उनके देखो है कोई देश को तरक्की नहीं करने देंगे ये लोग और भी कुछ बोलना है क्या एक और है धर्मपाजी ये बच्चन साहब का शो चलता है बगल में कौन बनेगा करोड़पति बाहर खड़ी हो जाती है लोगों को 10-10 रुपए के सवाल भेजती है कहती है आएगा नहीं नहीं ये सरासर झूठ है तुम क्यों झूठ बोल रहे हो कोई झूठ नहीं बोल रहा पाजी उसमें एक राउंड होता है फास्टेस्ट फिंगर राउंड जिसमें फटाफट जवाब देने होते हैं और वो सिलेक्ट हो जाते हैं एक बंदे को बोल के देती कहती तुम्हारी उंगलियां कितनी तेज चलती है तुम मेरे लिए जेब क्यों नहीं काटते करण प्लीज इग्नोर हिम जस्ट वो शुरू से कर रहा है तुम्हें जब से आई समझ नहीं आ रहा करण चले हम लोग कॉफी के लिए चलते हैं वहां हम अपनी फिल्म की स्टोरी भी डिस्कस कर लेंगे भाई इसने कॉफी सुना हुआ है इसको पता नहीं होती क्या है क्यों मुझे पता नहीं ऑफ कोर्स आई नो जब एक लड़का लड़की अकेले बैठ के चाय पीते उसे कॉफी कहते हैं दर्शकों आपसे अनुरोध है कि टीवी नहीं तोड़ना अपना एक आध बात अगर बेकार कर दी फिर क्या हुआ बाकी तो महा बेकार की है ना खराब हो जाना जाओ जा बुरी काम की बातें हो रही बेटा जाओ ऐसे बीच में नहीं आते अरे ऐसे कैसे चली ना देखो दियोल फैमिली का 3 जनरेशन एक साथ ऐसा मौका फिर कभी नहीं आएगा एक सेल्फी तो बनती है कप्पू प्लीज सेल्फी तो बनती है और जितनी इसने मेहनत की है हाँ। तेरा एक बार इनकी गाड़ी पे कपड़ा मारना बनता है पाजी मारूंगी लेकिन कपड़ा नहीं कुछ और वो भी तुम्हारी गाड़ी के शीशे पे अच्छा बुरी नाराज ना इधर मैं एक बात करनी चाहता हूँ अर्चना जी हाँ। धर्मपाजी ये हमेशा हम लोग नोकझोंक करते रहते हैं हाँ, हाँ। लोगों को पसंद भी आती क्या करें पर एक बात मैं दिल से कहना चाहता हूँ आज जो तूने आके जोरदार तालियां एक बार थैंक यू कप्पू नॉर्मली 10 मिनट करती थी आज 12 मिनट खराब किए तूने क्या मिनटों का जो तुम हिसाब लगा रहे हो ना बाहर लोग हैं जो मेरे लिए अपनी जिंदगी खराब करने के लिए भी तैयार है इसलिए एक बात कहती हूँ खुश रहो आसपास सफाई रखो और कमाते रहो फ्रॉम द कपिल शर्मा शो बाय अरे मैंने अभी देखा ये पिछली लाइन में सारे बच्चे बैठे हुए हैं किसी स्कूल के हेलो बच्चों कहां से आए आप लोग कौन बोलेगा कोई बोलना चाहता है ऐसे तो माइक दे दीजिए ओ बिटिया को उसको छोटी हेलो कपिल सर कहाँ से आए आप लोग वर्सावा वेलफेयर स्कूल अच्छा तो स्कूल नहीं लगा आज बंक करके आए हो सर आज यहाँ पे आने का प्रोग्राम था अच्छा प्री प्लान था पहले तो कैसा लग रहा है आपको बहुत अच्छा लग रहा है आपने पहले कभी ऐसे धर्मपारी से सनी से मिले कभी पहले नहीं सर आज फर्स्ट टाइम है तो हेलो सर हेलो और कांग्रेचुलेशंस फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स थैंक यू एंड सर हमने आपके लिए एक रैप लिखा है वाओ सुनाइए प्लीज सर हम वहां पर आ जाओ बेटा आ जाओ आपको पता करण भैया भी करते हैं रैप ये भी आपको सुनाएंगे बाद में आप सुनाओ आप कपिल शर्मा एक नंबर तुम्हारा कर्मा तुमने सबको हंसाया अपने जाल में फंसाया दिल को जोर से धड़काया कि पेट भी दुखाया सारी सारी रात तुम्हारे सपने हैं आते इंस्पिरेशन लेके तुमसे हम भी कॉमेडियन बन जाते डिप्रेशन में वो रहते थे तुम्हें देख के वो कहते थे ब्रो एक नंबर गली गली में तुम आते हो सबको हंसाते हो टैलेंट का पिटारा हो सुकून का भंडारा जिस गांव से तुम्हारे उस गांव को सवारा ऑनर तुम्हारा किस्मत ने हमारी ऐसा खेल दिखाया तुमको हमसे हमको तुमसे कपिल शर्मा शो पे मिलाया इतना हंसाया हाँ इतना हंसाया कितना हंसाया हम कुछ समझ ना पाए फालतू फालतू बातें अपने को नहीं आती तुमसे मिलने के एक्साइटमेंट में सारी रातें जाग के काटी तुम एक नंबर बाकी सब तुम्हारे बाद है कपिल शर्मा एक नंबर तुम्हारा कर्मा तुमने सबको हंसाया अपने जाल में फंसाया दिल को जोर से लटकाया हंसा के पेट भी दुखाया वाओ
तो जैसे ये दोनों बच्चियों ने बड़ा खूबसूरत रैप लिखा था और बड़ा अच्छा गाया, थैंक यू सो मच. वैसे करण का एक हिडन टैलेंट है, ये रैप तो करते हैं लेकिन लिखते भी खुद है, और वो भी इंग्लिश में. लेकिन मैं चाहूंगा कि दो चार लाइनें हिंदी में हो जाए, उसके बाद इंग्लिश में, फिर उसके बाद ठीक है. नो प्लीज माइक करण दिया. और साथ में मैं धर्मबाजी का गाना रिमिक्स करना चाहूंगा, मेरी अपनी मर्जी है. तेरा अपना जी. खाली जेब पर कोई ना उदास, देवों का यहाँ है वास. रे कोई ना फिक्र आस पास, या साथ में बैठी भी आस. ओ सुन ले बंदे, मैं जट अमला पगला दीवाना, मैं जट अमला पगला दीवाना. और अब्बा इतनी सी बात न जाना, के ओ मैनू प्यार कर दी है, साढ़े उत्ते ओ मर दी है. के ओ मैनू प्यार कर दी है, साढ़े उत्ते ओ मर दी है. When things don't go your way, you start hoping for better days, looking for the right words to say. Life is just like a play, there's a start, beginning and end. To me there's no need to pretend, I am why I'm what I am, don't need to call a friend. Don't forget where I came from, always stay the same. Everyone's buzzing around, living that fast life. I'll sit back, hiss, pause for a second and contemplate about life. With all these thoughts going through my mind, trying to vent, lifting them weights, giving me that natural high. While my trainer asks me what I'm smiling for, I say nothing's like before. While he says it's been over you 2 years, ain't it, I said all I can do is be patient. I just hope I'm destined for greatness, I've dedicated in my life for this. While these voice keeps echoing in my head, saying are you sure, shut it all out and prove to the world that sir, there's a lot to come away from my way. Chal gaye jaan, aaye aap ki aankhon ke naam, hoton ke naam. एक तो इंग्लिश में, ऊपर से इतना फास्ट और खुद लिखा हुआ, कमाल है करण, थैंक यू सो मच. सुपर्ब. मैं आपको, आप सबको एक फोटो दिखाना चाहता हूं. अभी 2-3 दिन पहले धर्मपा जी ने ही सोशल मीडिया पे शेयर की थी, मैं पहले तो दिखाता हूं. प्लीज दिखाई जरा सनी पाजी की फोटो. तो ये है आप सबके चहेते सनी देओल टावल में. पाजी अच्छा, मैंने ट्विटर पे देखा था, मैंने देखा कि शायद सनी पाजी ये फोटो खिंचवाने को राजी नहीं थे. आप साफ देख सकते हैं मासूम बच्चे के ऊपर, चेहरे के ऊपर कितना प्रेशर है. पाजी मैंने सुना आप ये फोटो तौलिए के बिना लेना चाहते थे. विदाउट टॉवल, ही सेड नो. पर बड़ी क्यूट फोटो है पाजी, थैंक्स फॉर शेयरिंग. पाजी हमारे पास कुछ और बड़ी पुरानी पिक्चर्स हैं आपकी अच्छी, हम चाहते हैं कि आप वो फोटोग्राफ्स कहाँ की हैं, वो किससे हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें प्लीज. ये फोटो पाजी देखिए, पाजी क्या क्या लग रहे हैं आप, सो हैंडसम धर्म जी. थैंक यू. ये सत्यकाम के सेट पर ऋषिदा और डेविड साहब हैं, तो अच्छा कुछ सीन चल रहा था. What a film and what a performance. Fine director. My God. But what a performance and what a film. नेक्स्ट एक और, एक इंदिरा गांधी जी और धर्मपा जी. पाजी ये कब की पिक्चर है? ये भी एक दफा हम लोग फंक्शन हुआ था दिल्ली में. अच्छा जी. तब मिले थे इनसे, मिला था मैं. वाओ. और भी हैं हमारे पास कुछ पिक्चर्स. राजेश खन्ना साहब को प्यार. पाजी ये कब की फोटो है? हर बार डाले हुए राजेश खन्ना साहब ने. आई जस्ट लव एवरीबॉडी यार, whether I get or not. मैं मोहब्बत करने के लिए पैदा हुआ. क्या बात है भाई. और भी है हमारे पास कुछ. पाजी ये सनी पाजी और बॉबी पाजी है? ये मेरी छोटी बेटी है. अच्छा. मुझे तो पीछे सनी खड़ा है, यही है. या दैट्स मी. ये दार्जिलिंग में शूटिंग कर रहे थे हम. अच्छा जी. आए दिन बाहर. आए दिन बाहर. ओके. तो ये मुझे कहते थे ओम प्रकाश जी. हाँ. ये मैं शॉट अच्छा दे गया था और छा गए पापे. तो भाई बेटी भी मैं निकलने लगी और छा गए पापे. लाली मेरी बेटी. नेक्स्ट. ओहो. दिलीप साहब और धर्मपा जी. आई लव हिम ऑलवेज, ही इज माय डार्लिंग. ग्रेट ह्यूमन बीइंग, ग्रेट एक्टर, नो डाउट.
पाजी ये कब की फोटो है? आप विनोद खन्ना साहब? विनोद खन्ना तो हम लोग बर्निंग जेन में करने वाले थे आइटम, तो हम लोग कपड़े कपड़े फेंक के भाग गए थे। हम दो तगड़े बंदे यार, इस तरह का डांस रिहर्सल की थी, फोटो वोटो लिए और हम चलते बने। लेकिन क्या कैरी ग्रैंड, क्या रॉबर्ट रेडफर्ड, क्या हैरिसन फोर्ड सर, सारे हॉलीवुड के हीरोज फीके आपके आपके सामने। रियली इस तरह से मोहब्बत से कहने वाले भी कम हैं, जैसे अर्चना जी आप हैं। नहीं मतलब बहुत कम लोग बोलते हैं द वे आप दिल से कैसे कह रही हैं। आई एम रियली, मेरे यहाँ नहीं चढ़ता, मेरे दिल में बस जाते हैं। थैंक यू, मैं उतना ही हम्बल हो जाता हूँ। आप लोगों का प्यार ही है, तो इसी प्यार पाने के लिए एक्टर बनता है आदमी। बाकी ये पैसा वैसा और ये शोहरत तो नशा है, नशा चढ़ता तो उतर भी जाता है। अब पैसा पता नहीं कल है कि नहीं है। प्यार मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो दिलों में घर कर जाता है। ओ यार मेरी दिखाई जाए ना, मैं एक फोटो दिखानी चाहता सी। जी सर। और रखिए यार, दिखाओ मैनू, आई वॉन्ट टू सी यार सच ए ब्यूटीफुल फोटोग्राफ। ओ कपिल लुक एट गिन्नी, आई एम बैक। जी बाजी, गिन्नी खूबसूरत लगते, तू लग रहा है। तूने आज पीला उसको मैच करके पिया है ना। आप सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं पाजी इस फोटो। नहीं नहीं मुझे छोड़ो, तुम गिन्नी को क्यों नहीं यहाँ लाते हो? तुम्हें आना चाहिए। देखो ये गिन्नी को नहीं लाता, ये मैं देखा कुछ लोग चालू होते हैं, लड़की घूमते रहते हैं। बीवी आ गई तो हाँ जी हाँ। नहीं पाजी आती है गिन्नी कभी कभी शूट पे, पर अब वो कह रही है कि एक ही साथ आएंगे। हाँ वो यार नो कंग्रेचुलेशन, वेरी थैंक यू पाजी, थैंक यू पाजी। मैं गया था शादी, नाइस पर्सन, बहुत प्यारी बच्ची है। थैंक यू पाजी, जीते रहो, खुश रहो। शुक्रिया पाजी, बहुत अच्छी फोटो। सनी पाजी, जो भी फिल्म स्टार्स होते हैं, जब पॉपुलर पर्सनालिटीज जो भी होती हैं पाजी, उनके बारे में कुछ ना कुछ अफवाहें चलती रहती मार्केट में, तो मैं कुछ एक हैं जो आपके बारे में भी हैं, तो मैं आपसे कंफर्म करना चाहता हूं। धर्म पाजी, ऐसा ये अफवाह है कि यमला पगला दीवाना 2 में आप सनी देओल वाला रोल करना चाहते थे, क्योंकि रोल से ज्यादा आपको उनकी हीरोइन ज्यादा पसंद थी। पाजी अफवाह है कि सच है? यार सच समझ लो, अफवाह समझ, जो तुम्हें दिल को खुशी लगती है वो कर लो। ये आंसर सही है। अफवाह ये है सनी पाजी कि मेंबर पार्लियामेंट की कुर्सी के बाद अब आपकी नजर अर्चना जी की कुर्सी पे भी है। सनी मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकता है ना सनी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ। आप जिसके साथ मर्जी करते रहो, क्योंकि मेरे डॉलर भी कुछ कम नहीं है सनी। धर्मपाजी आपके लिए कि फिल्म चुपके चुपके में आपने जो प्रोफेसर का रोल किया, वो इसलिए किया क्योंकि आपके पापा आपको रियल लाइफ में टीचर बनाना चाहते थे, ये बात सही पाजी? हाँ यार मेरे बाबा जी स्कूल टीचर थे, वो कहते थे प्रोफेसर बनना है तुझे मालूम है ये कहाँ फिर रहा है, क्या घूम रहा है, फिल्में क्या होती है, वहाँ जाना नहीं। तो मैंने ऐसे बाबा जी से प्यार से कहा कि ये देखिए बाबा जी मैं प्रोफेसर बना हूँ, उल्लू के पट्टे ये प्रोफेसर नहीं मैं वो प्रोफेसर, बाप तो बाप होता है। पाजी वो फिल्म जब चुपके चुपके में आपने एक ड्राइवर का रोल किया, तब ये बात सही है कि आपको स्टोरी नहीं पता थी, आप खाली डायरेक्टर के कहने पे आप चले गए? नहीं स्टोरी थोड़ी रिशिदा क्या है, आउटलाइन सुना देते थे जी और हमें पता चल जाता है क्या होगा इसमें सारा जी। लेकिन एक कहानी उन्होंने मुझे सुनाई थी आनंद। अच्छा जी। फ्लाइट में जाते बंगलौर से आते आते ये कर रहे हैं धर्म, ये करेंगे वो करेंगे, पता लगा शुरू हो गई। अच्छा जी। राजेश के साथ जी। तो मैं तो फिर थोड़ी टिकाता हूँ ना। तो सारी रात मैं ऋषिदा को सोने नहीं दिया। हाँ धर्म सो जा, धर्म सो जा, मैंने रोल ले रहा सी तुझे। ऐ कहानी मैंने सुनाई सी, ऐ किथे गया ऋषिदा? वो फिर बंद करे फोन, आधे घंटे बाद सो जा धर्म सो जा प्लीज। मैं नहीं, मेरा पिक्चर उन्होंने क्यों देती? रात का देर हो गया। शहर आपके बारे में ये अफवाह है
आप शिमला से हैं क्योंकि हाँ, तो अफवाह ये कि जब शूटिंग हो जाती थी पैकअप के बाद आप पूरे क्रू को गाइड बन के शहर भी घुमाती थी ये बात सही है? नहीं, क्योंकि हमने टाउन में शूट किया ही नहीं, हम पहाड़ कहीं बहुत ऊपर थे, पहाड़ों पे थे, तो टाउन में जाने का मौका ही नहीं मिला, तो नहीं। ये सारे हिमाचल वाले जो होते हैं इतने खूबसूरत क्यों होते हैं सर? क्या खाते हैं आप? हम सब कुछ खाते हैं, ताजे ताजे सेब उधर ही लगते हैं, उधर ही तोड़ के खा लिए है ना, हमारे पास आते हैं इंजेक्शन वाले, तभी हमारे पिंपल निकल आते हैं मुंह पे फिर। चलिए ओके, सारी अफवाहें क्लियर हैं मिलॉर्ड जी। आज मैं सच्ची दिल से बोलती हूँ, हमारे इधर पहली बार रियल हीरो, लेजेंडरी हीरोज आए ले, जोरदार ताली हो जाए। धर्म जी जानते हैं आई लव यू, लव यू, लव यू, लव यू, लव यू। कैसे सर आप? आई एम फाइन। हेलो सर। अरे सर, स्कर्ट का प्रॉब्लम रहता है सर इसलिए बहुत। हेलो सर, सनी सर, कैसे आप? हाय हाय, कैसे आप? ठीक। आप लोग का प्रोमो देखी सर, पल पल दिल के पास। मैं सच्ची बताऊं, पूरे हिंदुस्तान की दुआ, 1 करोड़ रुपए आएंगे जबाने हम लोग की, देख लेना। सनी सर, आपने तो कमाल ही कर दिया। हम सब लोगों ने बॉम्बे शहर देखा है ना, ये पहले आदमी है जिन्होंने हमको शहर बॉम्बा दिखाई ले। सच्ची में आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। आज मेरे को पता चला कि गांव से लोग भाग भाग के शहर में क्यों आते हैं, क्योंकि शहर खूबसूरत ही इतनी है। हाय कप्पू। हाय कप्पू, मेरे को तेरे को एक बात बोलने का था। क्या? धर्म जी को हम लोग बहुत प्यार करते हैं। हाँ। अगर धर्म जी कोई भी काम के लिए बोले ना, उनको कभी भी ना मत बोलना। क्यों? मैं कभी नहीं करता, पर क्यों? क्योंकि धर्म का काम करने से पुण्य मिलता है। धर्म जी उधर वो जगह जानते हैं? आप तो जू पे रहते ना, नाला सोपारा। नाला सोपारा में बहुत फैन है आपके। आप लोग को तो हम लोग इतना प्यार करते हैं कि खाने में हम गरम मसाला नहीं, धर्म मसाला डालते। सच्ची बोलती मैं तो बोलती, एक टाइम के लिए पूरी के साथ छोले नहीं मिले तो चलेगा। हाँ। लेकिन अगर बॉलीवुड में शोले नहीं होती तो बॉलीवुड इनकम्प्लीट रहता। जोरदार ताली हो जाए। मैं शोले देखी। आई जस्ट वांट टू आस्क क्वेश्चन सर। सो क्यूट। पर इंग्लिश ट्राई मारती मैं। कोई बात नहीं। सर शोले में आप और अमित जी ऐसा पूरी पिक्चर में ऐसा टॉस किए, इतना टॉस किए, मैच तो एक भी नहीं खेला आप लोगों ने। मैच मैं खेलता रहा ना, वो टॉस करता रहा। क्या बात है सर। अच्छा सनी सर से मेरे को काम था। सर सर मेरे को ना आपके हाथ जो है ना, वो 2 दिन के लिए नारा सोपारा में लगेंगे। क्योंकि उधर ना ब्रिज का काम चल रहा है, तो लोहे को पिघला कर उसका आकार बदलना था। सर आप बहुत मस्त काम में, वो पिक्चर देखी आपकी गदर पिक्चर, उसमें बहुत मस्त काम किया आप। मेरे को अर्चना जी का भी काम बहुत अच्छा लगा उस पिक्चर में। ये कहाँ थी फिल्म में? तो अशरफ अली का रोल इन्होंने नहीं किया था क्या? नहीं। अरे तो ये आप, ये घायल में थी क्या? घायल में भी नहीं थी ये। तो ये घातक में थी? अरे नहीं, घातक में भी नहीं। यमला पगला दीवाना में थी? ये नहीं थी। तो फिर ये कहाँ थी यार? तू बोलता ये बॉलीवुड में है, कहाँ थी? मैं इधर रोज आती है, नाचती है, परफॉर्म करती है। आई जस्ट वॉन्टेड टू आस्क अ क्वेश्चन अर्चना जी, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग? मेरे को खुद पता नहीं यार। ये सपना सोनी टीवी पे कॉमेडी सर्कस आता, तो हमारी जज यही तो थी। जज थी? हाँ। इन्होंने ना कभी किसी को अंदर करवाया ना बाहर करवाया, काहे की जज थी। हाँ, इन्होंने एक काम किया है। हाँ। इन्होंने एक आदमी गायब किया इधर से, जादू करनी है। मैं बता नहीं है। सनी सर आप तो अभी पॉलिटिक्स में भी आ गए ना सर। एक हमारा बंदा है जो पॉलिटिक्स में चला गया है। एक्चुअली पॉलिटिक्स में नहीं चला गया, पॉलिटिक्स इधर हुआ है उस वजह से चला गया है वो। तो आदमी को लेकर आओ ना सर। तुझे इनसे क्या प्रॉब्लम है सपना? क्या प्रॉब्लम है मेरे? तेरे को मालूम है जो बाहर स्पॉट दादा है ना, उनको गंदे गंदे इशारे कर रही थी। कौन से गंदे इशारे? ऐसे 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 करके चाय दो, चाय दो, ऐसा करके बोल। मैं तेरे को मारूंगी आज सपना की बच्ची।
अभी भी बोल रही थी ना चाटी पे क्या बोले थे आपने कि परमित जी को छोड़कर धर्म जी के साथ भाग जाऊंगी हाँ, पिछली बार जीतू जी आए थे तब भी ये बोला था शक्ति कपूर आए थे तब भी ये बोला था ऐसे बोलती रहती असलियत में ये क्या भागेंगी परमित इनसे भागता है मैं बताती हूँ करण वेरी गुड यू आर लुकिंग वेरी क्यूट मैं प्रोमो देखी बहुत मस्त लग रही है मैं आपको थोड़े टिप्स देना चाहती है अभी देखो पिक्चर आपका सुपर हिट होएगा हाँ। आप सुपरस्टार बनेंगे हाँ। आपको ना काम के लिए बाहर जाने का कोई जरूरत नहीं हाँ। आपको कॉमेडी सीखना है धर्म जी सिखा देंगे हाँ। ट्रेजिडी सीखना है धर्म जी सिखा देंगे हाँ। डायलॉग डिलीवरी सीखना है पापा सिखा देंगे एक्शन सीखना है पापा सिखा देंगे डांस सीखना है बॉबी चाचा बॉबी चाचा बॉबी चाचा हाँ मैं आपको गोविंदा जी से मिलवा दूंगी हमारा क्या है हाँ जी सर डांस जो है ना गाने की तो परवाह नहीं डांस हमें शेर लगता है तो अगर शेर को हमने नहीं मारा तो शेर हमें मार लेगा हम शेर को मार लेते मैंने तेरे को बोला था ना सपना कि धर्मपा जी आएंगे सामने कोई फालतू बात नहीं करनी अच्छा सॉरी अगर किसी बात का बुरा लगा रहेंगे तो मैं आप पांचों को सॉरी बोलती है नहीं नहीं बहुत अच्छा लगा पांच कहाँ है मतलब चार तो है क्या बात करे पांच हुए ना कैसे जैसे धर्म जी के बेटे सनी जी हाँ। सनी जी के बेटे करण जी हाँ। तो दो बेटे हुए हाँ। फिर करण के पापा सनी जी हाँ। सनी जी के पापा धर्म जी हाँ। दो पापा दो बेटे प्लस वन हीरोइन फाइव हुए नहीं व्हाट डू यू नो व्हाट डू यू नो हुए ना हुए कि नहीं अच्छा चल ठीक है पांच लोग आए तो एक करोड़ रुपया दो ना सर मेरे को मेरे को आए चल मेहमानों से पैसे मांगते रहते चल जा कला तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख दी जा रही है लेकिन आज तक एक करोड़ रुपया नहीं मिला मेरे को निकाल के फेंक दूंगी मैं ये वर्दी और पहन लूंगी बलवंत रॉय का पट्टा अपने गले में माय फुट अंधेर नगरी है ये बस ऐसे गरीब कमजोर लोगों पे दिखा अपनी मर्दानगी दिखा इस चड्डा पे वर्दी का रोप इन्हीं के हाथों को लग सकते तुम्हारी हथकड़ियां बलवंत राय के नहीं सपना तू भूल गई तू लड़की है सर कैसा लगा मेरा परफॉर्मेंस सर ऐसा हम लोग कॉमेडी के साथ मेन्यू में बहुत चीजें इधर तो अगर आपको कोई भी जरूरत है आप डायरेक्टर बन गए मैं आ सकती है वैसे धर्म सर मेरा इधर पार्लर है आई रन पार्लर तो हम लोग के पास अलग अलग टाइप का मसाज है तो आपके लिए सर गदर मसाज है इसमें क्या है इसमें क्या करते हैं सर हम लोग पड़ोसी देश में जाते हैं कस्टमर कपड़ा उतार के तेल लगाते और तब तक मसाज करते जब तक वो बोल नहीं देता कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा फिर सर एक और मसाज है यमला पगला दीवाना मसाज इसमें क्या है इसमें यमला पगला को तेल लगाता है पगला यमला को तेल लगाता है और दीवाना दीवाना पैग लगाता है साइड में बैठ के उसमें क्या है इंजॉयमेंट भी कोई चीज रहते है फिर सर अभी हम लोग का मेन मसाज है अपने तो अपने होते हैं अच्छा। इस मसाज में क्या है इसमें क्या सर कस्टमर कपड़ा उतार के तेल लगाते हैं और उसको कुर्सी पे बिठा देते हैं हाँ। फिर वहां से कपिल शर्मा आता है अच्छा। उसको उठाता है सिद्धू जी को बिठाता है बोलता है अपने तो अपने ही होते ये मसाज नहीं थी सर ये सूचना थी कि ये कुछ भी कर सकता है खैर सर मैं कभी मसाज करवाना बताइएगा मैं ऑल द बेस्ट वो बलवंत राय के कुत्ते की मसाज करनी मेरे को मैं सोचा नाला से मारा जाना है नाला से मारा जाना है तेरे को चलेंगे क्या सर अब नाला से सर लव यू सर बाय एक बार जोरदार तालियां हो जाए देओल फैमिली के लिए धर्म बाजी आप हमारे शो पे हमें बहुत बार सौभाग्य मिला है आपसे मुलाकात करने का बातें करने का सनी पाजी भी आए लेकिन एक साथ आज पहली बार ऐसा हुआ है कि करण भी हैं आप भी हैं सनी पाजी भी हैं
और हमारे कलाकारों ने कुछ आपके लिए एक छोटा सा ट्रिब्यूट तैयार किया है जो हम सामने बैठ के देखते हैं। पाजी आइए। क्या बात है, जीते रहो यार, बहुत अच्छा। क्या बात है, खूब जमा दिया। ओए क्या बात है पुत्र, स्टैमिना स्टैमिना, गॉड ब्लेस यू। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे तमाम कलाकारों के लिए जिन्होंने इतना खूबसूरत ट्रिब्यूट दिया। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू किक, थैंक यू भारती, चंदन थैंक यू सो मच, सुमोना थैंक यू, सुरलीन गुड 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 गुड। अब वक्त है सबकी एक खूबसूरत तस्वीर लेने का। ओ वाह क्या तस्वीर है। धर्म बाजी ये एपिसोड आपने फिर से एक बार अमर बना दिया। थैंक यू बाजी, लव यू बाजी, लव यू बाजी, लव यू ऑलवेज ग्रेट। ऐसे लगता है फैमिली में आ गया यार। बिल्कुल बाजी, बिल्कुल भाई, फैमिली है। थैंक यू बाजी, थैंक यू, थैंक यू सनी बाजी, सामू इतना यार। सहर एंड करण ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और आप सब लोग भी यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखिए और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। थैंक यू, गुड नाइट, शब्बा खैर।